अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। जयपुर से मुंबई आ रही सुपर फास्ट एक्सप्रेस में हुई फायरिंग पर आज नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने नांदेड़ जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया। इस वफद में कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट रहमान सिद्दीकी, साबिका डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, शमीम अब्दुल्ला, मुंतजिबुद्दीन, सैयद शेर अली, चांद पाशा कुरैशी, फारूक हुसैन बदवेल, रहीम अहमद खान, अब्दुल अजीज कुरैशी, समाजी कारकुन वो कांग्रेस के लीडर रफीक पठान, मोहम्मद जुबैर सर, मोहम्मद रफीक उर्फ मुशी भाई वो दिगर मौजूद थे। आरपीएफ के कर्मचारी ने, पुलिस अधिकारी ने, रिजर्व पुलिस अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी का जो साथ देगा उसे इस देश में रहना है और जो नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए, ऐसी बात करके अपनी सर्विस रिवॉल्वर जो उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई थी गन, उस गन से उसने तीन रेलवे के मासूम मुसाफिरों को कत्ल किया ये कहकर के तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हें मार रहा हूँ। और उसका जो सीनियर ऑफिसर उसके साथ था उसने जब उसको रोकने की कोशिश किया तो उसको भी उसने मार दिया। वो गैर मुस्लिम भाई है सीनियर ऑफिसर जो उसका है, लेकिन कुछ लोग उसको ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले उसने वो गैर मुस्लिम को मारा और बाद में उसने तीन मुसलमानों को मारा। तो रियल हकीकत ये है जो वीडियोस वायरल हुए हैं उस पर से कि उसने सिर्फ मुसलमानों को मार रहा था वो, और उसको रोकने की कोशिश उसके अधिकारी ने किया इसलिए उसको अधिकारी को भी उसने मारा। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है कि पुलिस का ऑफिसर, पुलिस का अधिकारी जिसका के काम है जनता की रक्षा करना, वो जनता पर जो है ट्रेन में गोलियों से जनता को भूनता है और नाम लेकर भूनता है कि भाई तुम अगर योगी जी और मोदी जी का साथ दोगे तो हम तुम्हें रहने देंगे वरना पाकिस्तान भेज देंगे। तो इससे बड़ी दहशतगर्दी, इससे बड़ा आतंक कोई नहीं हो सकता है। और इस आतंक के खिलाफ हम नांदेड़ कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार, हमारे साथ माजी उप महापौर शमीम अब्दुल्ला साहब, मसूद सेठ साहब, तमाम नगर सेवक शेर अली साहब, बदवेल साहब, कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी मुंतजिबुद्दीन प्रवक्ता और माजी नगर सेवक, बहुत से लोग हैं, मैं सबके नाम लेना नहीं चाहता क्यों तो वक्त की कमी की वजह से, हम सब ने मिलकर कलेक्टर साहब को ये मेमोरेंडम दिया कि इस को गिरफ्तार तो किया गया है लेकिन अब इसको पुलिस या प्रशासन या और वहाँ की कोई हुकूमत इस तरह का मोड़ देने की कोशिश ना करे कि वो जो है मतिमंद था या उसकी मेंटल कंडीशन बराबर नहीं थी, इस तरह से बात करके उसको संरक्षण देने की कोई बात ना हो। और इसकी वजह से सारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात शदीद तौर पर ठेस पहुंची है। उन जज्बात को सिर्फ मुसलमान नहीं, ऐसे हमारे सभी हिंदू भाई भी जो हमारे संविधान पे यकीन रखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, उन सब को भी, उन सब के जज्बात को इस घटना से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है उनके जज्बात को। इसलिए हमने अपने जज्बात, हमने अपने तासुरात कलेक्टर के ज़रिए हमारी देश के महामहिम राष्ट्रपति मोहतरमा को पहुँचाना और उस अधिकारी के खिलाफ कड़क से कड़क कार्यवाही जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए करके उसे फांसी पे लटकाया जाए ताकि ऐसा कोई दूसरा कर्मचारी इसके बाद ऐसी कोई हिम्मत न कर सके। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है डीएमएलटी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जीएनएमए, ओटी असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर,
इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिम कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टीग्री रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।